हे सो यू नो मैं यहाँ पे गोवा में आई हूँ एंड आई एम लाइक ओके मैं फ्री बर्ड हूँ. फ्री बहुत ज़्यादा फ्री हो गई हूँ. एंड सच में मैं फ्री हो गई हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ है नहीं. जॉब स्टडी कुछ नहीं है, बस वेल्ले वेल्ले वेल्ले. एंड आई वॉज लाइक ओके मैं फाइनली बोर हो रही हूँ. सॉरी, हाँ फाइनली बोर हो रही हूँ तो लेट्स डेट सम वन, लेट्स गो ऑन अ डेट, लेट्स हैव फन एंड बॉयफ्रेंड बनाते हैं. बन गया तो नहीं तो कैजुअली ठीक है. तो आई वॉज लाइक ओके टिंडर एंड बम्बल मैंने डाउनलोड करा एंड स्क्रोल कर रही हूँ कर रही हूँ कर रही हूँ. दो चार बंदे अच्छे लगे, राइट स्वाइप करा. उसके बाद एक बंदा रशियन था एंड आई वॉज लाइक ओके रशियन बंदा मिला है, कुछ तो खास होगा. एंड ही वॉज क्यूट ऑन दैट पिक्चर्स कि कैट के साथ था, उसको यूकेलेले चलाना आता था, पता नहीं क्या 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 क्या. ओके सो आफ्टर टॉकिंग 4 to 5 days आई वॉज लाइक ओके लेट्स मीट. एंड मेरे घर से वो 2 hours के डिस्टेंस में रहता था एंड आई वॉज लाइक ओके लेट्स मीट. उसके घर के पास मैं गई, 2 घंटे ड्राइव करके गई. मैं गई, जाने के बाद बंदे ने इतना सारा मूछे पाल रखा एंड ओके बहुत लंबा था. आई वॉज लाइक ओके एंड हम गए बीच पे एंड हमने बात करना स्टार्ट करा. उसके बाद हम खाना खाने के लिए गई, फिर जो उसने हगा ना वो हगता रह गया. सच बता रही हूँ, वो ऐसे बुराई कर रहा था ना इंडिया के बारे में. एंड आई वाज लाइक ओके चलो. एंड मैं उसको इंग्लिश में बात करने की कोशिश कर रही हूँ, उसे नहीं समझ आ रहा है एंड मेरे को इंग्लिश से रशियन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ रहा है. ओके दिस इज द थिंग विच आई वांट टू से टू यू. तब जाके वो समझ पा रहा था. उसके बाद उसकी बक बक पक गई एंड आई वॉज लाइक ओके डैम श्योर मैं इसको डेट नहीं करने वाली. एंड ही वॉज क्वाइट गुड क्वाइट बैड ऑल्सो क्योंकि मैं नहीं सुन सकती यार इंडिया के बारे में भला बुरा. नहीं भला सुन लूंगी, ऑफकोर्स करूंगी भी, बट उसके जो चीप मेंटेलिटी थी ना इंडिया के बारे में, समझाते समझाते थक गई थी, वो समझ नहीं पाता. लाइक ओके आई एम गोइंग बाय टाटा. उसके बाद डन, मतलब ओके चलो अब गोरे लड़कों से हम नहीं पाला कर रखेंगे ना. अब गोरे गोरे लड़के मेरे को समझ आ गया कैसे होते हैं गोरे लड़के. तो मेरा हो गया वहां पे खत्म कहानी. अब मुझे गोरे लड़की नहीं चाहिए मेरे लाइफ में, इतना मैंने सोच लिया. फिर मैंने वापस ऐसे 1 2 3 दिन हो गया क्योंकि मैं ऑफकोर्स यहाँ पे अकेली हूँ एंड अकेले यहाँ पे टाइम कैसे स्पेंड करूँ. मैंने वापस बम्बल टिंडर यूज करा तो मुझे मिला एक बंदा बम्बल से एंड बम्बल से मिला एक बंदा. मैं गई मिलने के लिए अराउंड रात को कितने बजे, माइट बी 9 10 बजे, क्योंकि यार अकेली थी बोर थी, कुछ करने को है नहीं, ना जॉब ना स्टडी ना कुछ ना कुछ. ओके आई वॉज लाइक ठीक है लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएगा एंड मेरा टाइम पास भी हो जाएगा. गई एंड बंदे ने इसलिए डाउनलोड करा था बम्बल टिंडर जो भी है, इसलिए डाउनलोड करना था क्योंकि उसका जो एक्स है एक्स से उसका ब्रेकअप हो गया. जस्ट हीलिंग प्रोसेस के लिए उसने टिंडर डाउनलोड करा था, जो भी टिंडर बम्बल. एंड उसने बोला मुझे साफ साफ, मैं ओके वेरी गुड आई एम विद यू नाउ वट एवर थिंग्स, जस्ट टेल मी जो भी है तुम्हारे साथ बताना है बता दो या फिर जो भी है. उसके बाद वी वर टॉकिंग लाइक हमने बात करा बहुत अच्छी तरीके से. फिर उसके ऐसे 2 2 घंटे में उसके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, एक्स की यादें आ रही है. मतलब आई वाज लाइक व्हाट द फक व्हाई आई एम हियर. आई मीन सीरियसली लड़की होते हुए भी उसको एक्स की याद आ रही है, देन व्हाई द फक यू आर यूजिंग टिंडर एंड बम्बल टू यू नो डिस्टर्ब एनीबॉडी. लाइक लड़की को लड़की होते हुए तो मैं एक्स की याद आ रही है, क्यों भाई क्यों एक्स की याद करनी थी, रंडी रोना करना था, आई एम सो सॉरी. तो क्यों क्यों यूज कर रहा है अपना, कोने में रो लेते धो लेते, लड़की को क्यों बुलाना है भाई क्यों. आई वाज लाइक ओके आई एम डन विद दिस गाय नाउ आई एम लिविंग. तो बस उसने पिस्ड ऑफ कर दिया एंड मैं वापस उससे कभी नहीं मिले. सो थर्ड बंदा ऐसा था, वो तो भाई अलग ही लेवल का एपिक बंदा था, एपिक सच में.
मतलब मैंने सोचा नहीं था इतना अच्छा वाला एपिक एपिक बंदा था, जो भी बोलो। वीडियो काफी लंबा बन गया एंड ओह माय गॉड दिस इज काइंड ऑफ ब्यूटीफुल लॉल। सो अच्छी लग रही हूं ना मैं? सो थर्ड बंदा कैसा था? थर्ड बंदा ना इतना अच्छा था, मैं प्यार में पड़ गई थी। ट्रस्ट मी, प्यार में पड़ गई थी। वो लड़का बहुत प्यारा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था उससे मिलने के बाद, बहुत अच्छा लगा था। एट द एंड ट्विस्ट आ गया लाइफ में, तो थोड़ा सा फक्ड अप हो गया था उस टाइम पे। सो स्टोरी ये है थर्ड बंदे के साथ। फर्स्ट डे मिलने गई, दैट वॉज क्यूट। सेकेंड डे वो भी क्यूट था, थर्ड डे वो भी क्यूट था, ठीक है। एंड आई वाज लाइक ओके दिस इज माय गाय, दिस इज माय टाइप ऑफ गाय, मुझे ऐसा ही लड़का चाहिए, मुझे यही लड़का चाहिए, मेरा हस्बैंड ऐसा ही होना चाहिए, मेरा बॉयफ्रेंड भी ऐसा ही होना चाहिए। इतना केयर, इतना प्यार, इतना रेस्पेक्ट, आई हैव फीलिंग फॉर यू, ऐसा वो बोलता था वैसे। एंड आई वाज लाइक वाओ यार क्यूट, वेरी क्यूट। कुछ दिनों के बाद पता चलता है ही इज गे एंड ही इज एक्सप्लोरिंग। एंड आई वाज लाइक ये क्या खेल हो गया मेरे साथ, क्यों हुआ ऐसा मेरे साथ? एक्सप्लोर करना था तो पहले बता देते ना कि हे गर्ल आई एम एक्सप्लोरिंग माय थिंग, आई एम नॉट प्लेइंग विद यू। बट ठीक है, मेरे को तो लड़कों पे से भरोसा उठ गया धीरे धीरे। सो ठीक है, दैट वाज माय एक्सपीरियंस ऑन बम्बल एंड टिंडर अभी तक का। अभी तो मैंने बंद कर रखा है लाइक टिंडर एंड बम्बल, क्योंकि आई एम डन विद दिस शिट्स। सो आई वाज लाइक ओके ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो मुझे बताना, एंड जो भी क्वेश्चन पूछना है पूछ सकते हो। बाय, लव यू।